वेलकम ऑल आज हम बात करेंगे हिमोस्टेसिस के प्रोसेस के बारे में कि ये क्या है और किसके इसको जो डिटेल हम करेंगे उसके पहले पार्ट को करेंगे वो है प्राइमरी हिमोस्टेसिस वो क्या है इसके बारे में हम डिटेल करेंगे पहले देखते हैं हिमोस्टेसिस क्या है सो so, हिमोस्टेसिस इज ए इस स्पेसिफिक टाइप ऑफ होम्योस्टेसिस सभी को पता है होम्योस्टेसिस का मतलब होता है टू में कॉन्स्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट तो ब्लड जो हमारे बॉडी में है वो भी उसका एक कॉन्स्टेंट मेजरमेंट होता है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम होता है यदि वो कम हो जाए या ज्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम होगी तो ये जो स्पेसिफिकमोस्टेसिस है तो ये एक्चुअल में जब ब्लड किसी कारणवश लॉस होने लगे तो उसको रोकता है सो दिस प्रिट ब्लड लॉस ब्लड लॉस सो दिस इज कॉल्ड द हिमो स्टेसिस So, कब ब्लड लॉस होगा ब्लड वेसल डैमेज जब हो उसमें कोई इंजरी हो गया तो ये जो लिक्विड ब्लड है ब्लड क्या होता है लिक्विड फॉर्म में होता है तो ये लीक आउट करना शुरू कर देगा दूसरी बात कि चूंकि ब्लड ब्लड वेसल के अंदर बहुत हाई ब्लड प्रेशर में रन करता है और यदि कहीं लीकेज हो गया कहीं इंजरी हो गया कहीं डैमेज हो गया तो वो जो ड्यू टू द हाई प्रेशर द ब्लड स्टार्ट टू ब्लीडिंग आउट तो ये एक सीरियस ब्लीडिंग भी काउज कर सकता है तो ये चीज ध्यान रखना है कि यदि डैमेज होता है तो लीक आउट होगा और ड्यू टू द हाई प्रेशर एक सीरियस ब्लीडिंग भी काउज कर सकता है इसलिए ये जरूरी है कि उस प्रिवेंट उसको ब्लीडिंग को रोका जाए तो इसके मेकेनिज्म है सो दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड द हीमोस्टेसिस सो सो हीमोस्टेसिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस दैट इज दिफनेशन प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस और टू प्रिवेंट द ब्लड लॉस इजिस ब्लड वेसल में कोई डैमेज होता है तो पहले तो ब्लड को रोका जाएगा ठीक है और फिर उसमें रिपेयरिंग भी होगा कि वो फिर से नॉर्मली वो काम करने लगे तो रोकने के लिए जो एक बेसिक इम्पॉर्टेंट चीज बनता है ठीक है उसको बोलते हैं क्लॉट एक क्लॉट इज फॉर्म्ड जहां पर जैसे कोई ब्लड वेसल है मान लीजिए यहाँ पे इंजुरी हो गया तो यहां पर पहले क्या बनेगा ब्लड क्लॉट बन के इसको बंद करेगा और फिर धीरे धीरे ये इसको रिपेयर करके फिर से नॉर्मल ब्लड वेसल में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है जो जहां भी वेयर इंटेयर होगा जहां भी कहीं डैमेज होगा ब्लड वेसल में ये हीमोस्टेसिस वहां वर्क करने लगेगा इसके बाद हम देखते हैं हिमोस्टेसिस दो स्टेज में होता है सो दैट टू स्टेज इज फर्स्ट स्टेज इज प्राइमरी हिमोस्टेसिस एंड सेकेंड स्टेज इज सेकेंडरी हिमोस्टेसिस प्राइमरी हिमोस्टेसिस इज द प्राइमरी फेज एंड दिस इज द सेकेंडरी हिमोस्टेसिस ऑल्सो नॉन एज ब्लड क्लॉटिंग क्योंकि इसका जो बेसिक प्रोसीजर है इसका बेसिक मेकेनिज्म है वो ब्लड क्लॉटिंग में है

from the platelet so this is the just a clumping of platelets together wo bahut sare platelets jahan par injury site hota hai wahan par aakar jama ho jata hai aur wo ek dusre se clump kar deta hai ek sath so this is a quick way of to prevent the blood loss so ye वीक होता है और ये temporary arrangement है ये temporary blockage है यदि यदि secondary हेमोस्टेसिस नहीं हो तो ये बहुत ज्यादा देर तक ब्लड को नहीं रोक कर रख सकता है तो ये इसका काम इसलिए है कि इनिशियली यदि कुछ देर तक ब्लड को रोका जाए तो धीरे धीरे सेकेंडरी हेमोस्टेसिस डेवलप हो जाएगा और फाइनल उसका जो पूरा प्रॉपर उसका ब्लीडिंग का जो प्रिवेंशन है वो होगा थ्रू द ब्लड क्लॉटिंग तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पे प्लेटलेट प्लग का निर्माण होता है अब प्राइमरी हिमोस्टेसिस में चार स्टेजेस होते हैं चार फेजेज होते हैं कॉल द देशन प्लेटलेट एडिशन प्लेटलेट एक्टिवेशन एंड प्लेटलेट एग्रीगेशन तो ये चार बेसिक है थोड़ा हम सेकेंडरी के बारे में भी देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ फाइबरिन मेस क्लॉट पर mace, यहां जो बनता है मेस क्लॉट बनता है ठीक है यहाँ पे प्लग बन रहा था यहाँ पे क्लॉट बन रहा है सो थ्रू द ब्लड क्लॉटिंग यहाँ एक प्रोसीजर है यहाँ जो मेकेनिज्म है वो ब्लड क्लॉटिंग मेकेनिज्म है सो देर इज अ लॉट ऑफ

क्लॉट किसका बना होता है इज इज द फाइब्रिन नेटवर्क जिसमें बहुत सारे प्लेटलेट ब्लड सेल्स आकर वहां पे इंटेंगल हो जाएगा और वो जो लिक्विड ब्लड है वो किस में हो जाएगा कॉगलेट हो जाएगा क्लॉट में कन्वर्ट हो जाएगा थोड़ा सॉलिडिफाई हो जाएगा तो इसीलिए इसको क्लॉट बोलते हैं सो सॉलिडिफाई इनस्टैंटेन द इनिशियल प्राइमरी प्लेटलेट प्लग सो देयर हियर देयर इज

थर्ड तीन है एडिशन, एक्टिवेशन और एग्रीगेशन ये तीन क्या करता है प्लेटलेट प्लग को निर्माण करता है ठीक है प्लेटलेट प्लग को आ, बनाता है और इससे पहले कि प्लेटलेट प्लग बने एक क्या होता है एक और में होता है कॉल्ड द वेसो कंस्ट्रिक्शन आल्सो इंक्लूड द वेसो स्पाजन तो ये

टू प्रिवेंट द ब्लड लॉस थोड़ा कम कर देता है रिड्यूस कर देता है नॉट ये रोकता नहीं है बट ये रिड्यूस कर देता है थोड़ा सा यदि ब्लड uh, कैपुलरी को रिड्यूस कॉन्ट्रैक्ट uh, कर दिया जाए तो सो दिस इज द वेसो कंस्ट्रिक्शन और वेसोस्पाजन तो so, एक एक करके देखते हैं क्या है ये वेसो कंस्ट्रिक्शन एंड वेसो स्पाजन ये दो टर्म हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं दोनों टर्म एक ही घटना को डिफरेंट एंगल से हम उसको डिफाइन करते हैं और कुछ नहीं है बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लेटलेट ठीक है प्राइमरी प्लेटलेट प्लग क्या होता है होता है तो ये है क्या दिस इज ऑफ़ आर्टरी जो आर्टरी होता है वो क्या हो रहा है नैरो हो रहा है इन लेंथ एंड इन डायमीटर ये ध्यान रखना है क्यों जो आर्टरी होता है जो ये आर्टरी है तो ये थोड़ा सा नेरो भी हो जाएगा और थोड़ा शॉर्ट भी हो जाएगा तो उसमें मसल्स होते हैं स्मूथ मसल्स होता है उसमें कॉन्ट्रेक्शन होता है और उसकी वजह से जो ये वाल है मान लीजिए ये ये वाल वाल है तो ये वाल करेगा और ओवरऑल ये इधर से भी कॉन्ट्रिक्ट करेगा तो वो लेंथ में भी छोटा हो जाएगा और जो डायमीटर में भी छोटा हो जाएगा तो इसीलिए दो टर्म यूज होता है जब ओवरऑल देखते हैं कि परसिस्ट कर गया कॉन्ट्रेक्शन उसको हम बोलते हैं एक बार फिर से से इसको ठीक सुन लीजिए कि जब ब्लड वेसल में कॉन्ट्रेक्शन होता है तो उसको बोलते हैं वेसो तो इसका ज्यादातर मतलब होता है कि हम इसको डायमीटर से लेते हैं कि डायमीटर में जब कॉन्ट्रिक्ट कर गया और वेसोस्पाजम किया है कि जब ये थोड़ा सा लेंथ में डायमीटर में तो होगा ही और जब लेंथ में भी ये

और बात है कि यदि ब्लड वेसल है तो यहाँ पे न्यूरॉन्स न्यूरो तो होगा तो ये होते हैं तो वो इसको इन्फॉर्म करेगा और ये इमिडिएटली थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा तो इसकी वजह से क्या होता है इमीडिएट डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द इंजुरी और दूसरा होता है रिलीज ऑफ वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर ठीक है देयर आर केमिकल्स इज एक्ट एज वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर जो कि वेल्स को क्या करता है कॉन्ट्रैक्ट करता है सो so, कहाँ से कहाँ से होता है इंडोथेलियल सेल से होता है प्लेटलेट से ये दो ये जो केमिकल्स होते हैं कहाँ से रिलीज होते हैं है और प्लेटलेट से आगे हम देखते हैं सो so, ऑब्वियसली इसका जो मेन काम है वेसोस्पाजम और वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन का मेन काम क्या है टू रिड्यूस ब्लड फ्लो तो ये बिल्कुल ही एक इमीडिएट जैसे इंजुरी होता है ये इमिडिएट एक्शन है ठीक है इसके बाद अब प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन का निर्माण होगा तो वो तीन स्टेज है इसमें अच्छा इससे पहले हम आगे बढ़े इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ब्लड वेसल्स में उसका क्या क्या है उसमें कंपोनेंट सो इसमें एक तो होगा कि जो इनर लाइनिंग होता है वो क्या होता है इंडोथेलियल इसको इंडोथेलियम बोलते हैं इंडोथेलियल सेल्स के एक फ्लैट सेल्स का एक लाइनिंग होता है मिडिल में मसल uh, सेल होता है मस्कुलर होता है मिडिल जो वाल होता है उसमें स्मूथ मसल सेल्स होते हैं और आउटर में कनेक्टिव कनेक्टिविटी होता है उसमें स्पेशली कोलेजन होता है तो ये स्मूथ मसल सेल्स कोलेजन और इंडोथिलियम और इंडोथिलियल सेल तो ये तीन चीजों को ध्यान में रखना है अभी ठीक है कि हम इसके डिटेल में भी इतना नहीं जा रहे हैं सो इंडोथिलियम इज द इनर लाइनिंग ऑफ ए ब्लड वेसल तो अब यहां पर हम देख सकते हैं कि ये एक ब्लड वेसल है ठीक है ये एक ब्लड वेसल है और ये जो है ये तुम्हारा इंडोथेलियल है ये इंडोथेलियल है ये इसके बाद जो दोनों होते हैं दिस इज़ द वास्कुलर वॉल दिस इज द वास्कुलर वाल इसमें इस इस क्या क्या होता है दिस इज द स्मूथ मसल से, सेल्स और ये जो बाहर है कनेक्टिव टिशू और टिश्यू में इंपॉर्टेंट कंपोनेट क्या है बट जो, जो इसमें जो इंपॉर्टेंट जो आगे हमें देखना है जिसपे बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन डिपेंड करता है दैट इज द कॉलेजन अब हम देखते हैं जैसे डैमेज होगा तो एक इमीडिएट एक्शन होगा तो स्मूथ मसल सेल डिटेक्ट इंजुरी हमने भी इससे पहले किया था कि जैसे ही इंजुरी होगा तो पहला काम क्या होगा कॉन्ट्रिक्ट करेगा एंड काउज रिफ्लेक्सिव कॉन्ट्रेक्शन ऑफ वेल जैसे ही इंजुरी हुआ जैसे ही इंजुरी होगा मान लीजिए यहां पे इंजुरी हुआ ठीक है इस एरिया में इंजुरी हुआ तो यहां पर हम देख सकते हैं इसी का इनलार्ज करके तो यहाँ पर इस एरिया में इंजरी हो गया ठीक है यहाँ पर इंजुरी हुआ तो यहाँ पर देख सकते हो कि सेल डैमेज भी हो जाता है ठीक है प्रॉपर वे में नहीं रहता है डैमेज हो जाता है वाल डैमेज है यहाँ पे जो कोलेजन है ये थोड़ा बाहर आना शुरू हो गया एक्सपोज होना शुरू हो गया है तो इस तरह से जैसे ये जैसे ये इंजुरी होता है यहाँ पर होता है क्या थोड़ा सा यहाँ ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर दिखाया गया है इस तरह से स्मूथ मसल ठीक है ये सब स्मूथ मसल्स है इस तरह से होता है लंबा लंबा ठीक है जैसे ही इंजुरी होगा दैट इज डिटेक्टेड बाय द स्मूथ मसल्स और ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा ठीक है कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा लेंथ में और चूंकि ये चारों तरफ है ब्लड वेसल के चारों तरफ है तो ये डायमीटर में भी क्या करना शुरू कर देगा उसको कॉन्ट्रेक्ट करना शुरू कर डायमीटर छोटा कर देगा और उसका लेंथ को भी छोटा कर देगा तो ये इमीडिएट रिस्पॉन्स है जब भी डैमेज तो so so एक तो हो गया कॉन्ट्रेक्शन ड्यू टू द डायरेक्ट रिफ्लेक्स दूसरा हो जाएगा वेरियस केमिकल पेप्टाइड्स एक्ट एज कॉल द इंडोथेलिन, सो ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है इंडोथेलियल सेल के द्वारा रिलीज किया जाता है जो कि डैमेज होता है ठीक है तो यहाँ पर इंडोथेलियल जो सेल था वो क्या हो गया ये डैमेज हो गया तो ये क्या रिलीज करेगा इंडो रिलीज करेगा दैट इंडोथेली स्मूथ मसल सेल ये स्मूथ मसल सेल जो ये वाला एरिया है स्मूथ मसल सेल्स में जाकर बाइंड करेगा और उसके उसको क्या करेगा कॉन्ट्रैक्ट करेगा ठीक है सो दिस इज एक्ट एज बाइंड टू दिसर स्मूथ मसल सेल एंड इट लीड टू द फाइनली कॉन्ट्रेक्शन यहां पर फाइनली कॉन्ट्रेक्शन हो जाएगा अब हम देखते हैं एक यहां बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना एक और फैक्टर है जो कॉन्ट्रेक्शन में मदद देता है ठीक है कॉन्ट्रेक्शन में पहला मदद क्या दिया ठीक है वेसो कॉन्ट्रिक्शन में पहला मदद दिया कि डायरेक्ट रिफ्लेक्स ठीक है डायरेक्ट रिफ्लेक्स दूसरा केमिकल्स तीसरा है इट्स ए वेरी डिफरेंट वे निगेटिव वे वेन देर इज ए नॉर्मल ब्लड वेसेल यदि ब्लड वेसल नॉर्मल है जब ठीक है बिल्कुल नॉर्मल है देर इज नो इंजुरी इस तरह से है ठीक है इस तरह से ब्लड वेसल बना हुआ है यहाँ पे वाल है बाहर इन नॉर्मल कंडीशन सो नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टा हार्मोन रिलीज होता है ये दोनों हार्मोन का काम किया है कि जो इसमें से प्लेटलेट मूव कर रहा है ठीक है इसमें जो प्लेटलेट मूव कर रहा है इसमें जो प्लेटलेट मूव कर रहा है वो इसमें जाकर उसपे अटैच नहीं करेगा तो पहला काम क्या करता है कि normally blood vessel relaxed और ये जो smooth muscle cell है उसको क्या करता है relax रखता है तो ये जो हार्मोन का पहला काम किया है ये जो smooth muscle cells को relax रखेगा और इस प्लेटलेट को यह सटने नहीं देगा ठीक है इसके बारे में हम आप बाद में आगे देखेंगे अभी हमारा काम है कि नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टासाइक्लिन जब तक है ठीक है जब तक है तो क्या करेगा वो ब्लड को रिलैक्स रखेगा क्योंकि यहाँ जैसे डैमेज हो गया तो नो

तो तो प्लग कैसे बनता है? है? हम इसको देखते हैं। so, platelet में पहला काम क्या होता है? So, obviously, injury exposes the collagen. जैसे ही इंजुरी होगा तो जो नीचे में जो कनेक्टिव टिश्यू था उसमें क्या था कोलेजन था तो ये क्या हो जाएगा सब ऊपर आना शुरू हो जाएगा ये एक्सपोज हो जाएगा यहाँ जो ब्लड है उस

पर देख सकते हो कि ये डैमेज इंडोथेलियल सेल स्टार्ट टू रिलीज सो दिस इज द वर्ड विली ब्रांड फैक्टर इसी को बोलते हैं भी डब्ल्यू एफ भी को स्मॉल में लिखना है इसका नाम साइंटिस्ट है उन्होंने इसको डिस्कवर किया था सो नाउ द सेकेंड थिंग फर्स्ट द इंडोथेलियल सेल स्टार्ट टू रिलीज वॉन विलीवर फैक्टर वीडब्लू एफ एंड दिलीव फैक्टर बाइंड अब ये क्या करेगा एक्सपोर्ट कोलेजन पर आकर बाइंड कर जाएगा पर देख सकते हो कि यहाँ पर आकर ये बाइंड कर गया है तो जितना भी एक्सपोज कोलेजन होगा वहां पर वीडब्लू एफ बाइंड कर जाएगा अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है बाइंड करने से होगा क्या नेक्स्ट थिंग द प्लेटलेट्स एक्सप्रेस सरफेस रिसेप्टर प्लेटलेट्स पे जो प्लेटलेट्स होता है उसके सरफेस पे क्या होता है एक ग्लाइकोप्रोटीन आई बी ठीक है और वन बी होता है ग्लाइकोप्रोटीन वन बी जीपी जीपी वन बी सो बाइंड टू वॉल वॉन विलीब्रेंड फैक्टर से बाइंड करेगा यहां पर तुम देख सकते हो कि ये वॉन विलीब्रेंट पहले से अटैच है कॉलेजन से यहां पर ये सारा प्लेटलेट्स है ये प्लेटलेट्स है और यहां पर जो रिसेप्टर दिखा रहा है ठीक है ये है जीपी वन बी ग्लैको प्रोटीन वन बी सो दिस इज द रिसेप्टर यह क्या है एक्चुअल में यह रिसेप्टर का काम करता है सो दट रिसेप्टर अटैच विद्डब्लू एफ ठीक है यह सारा क्या है वी डब्ल्यू वीडब्लू एफ ठीक है वहां से बाइंड करेगा तो इस तरह से क्या हो जाएगा ये, ये प्रोसीजर क्या करेगा दिस लिटू प्लेटलेट एटेजन यहां से क्या हो जाएगा कि जो ब्लड वेसल में प्लेटलेट क्या हो रहा था मूव कर रहा था ठीक है वो तो धीरे धीरे यहाँ पर क्या होना शुरू हो जाएगा अटैच करना शुरू कर जाएगा सो दैट इज कॉल्ड द एडेशन जो कि यदि पे इंजुरी हुआ है Further, अब यहां पर द सेम फैक्टर जो नाइट्रिक ऑक्साइड और पोस्टाग्लिन जो नॉर्मल इंड्रोथिलियम थेलियल सेल रिलीज करता है जिसकी वजह से क्या होता है दो चीजें होता था ब्लड वेसल रिलैक्स रहता था और दूसरा वो प्लेटलेट को बाइंड होने से बचाता था वो स्टिकी होने से बचाता था प्लेटलेट को स्टिकी ना हो जाए इसके लिए दोनों हार्मोन हमेशा प्लेटलेट पे उसको इनएक्टिवेट करके रखता है जिसकी वजह से वो ब्लड वेसेल से सेल है, तो क्या हो जाएगा ऑब्वियसली प्रोस्टासाइक्लिन और ऑक्साइड क्या हो जाएगा नहीं प्रोड्यूस होगा नॉट एबल टू प्रोड्यूस नाइट्रिक ऑक्साइड एंड प्रोस्टासाइक्लिन तो होगा क्या सो दैट 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 स्टार्ट प्रिवेंट द इनएक्टिवेशन ऑफ द प्लेटलेट प्लेटलेट को इनएक्टिवेट नहीं करेगा तो अब ये क्या हो जाएगा सो फ्रॉम बाइंडिंग टू द इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल तो ऑब्वियसली यदि कोई चीज कोई चीज कोई फैक्टर था जो बाइंड करने से बचाता था यदि वो फैक्टर हटा दिए तो क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली वो प्लेटलेट क्या हो जाएगा वहां पे जाके सटना शुरू कर देगा सो प्लेटलेट एट इंज साइड मोर इनक्लाइन टू बाइंड टू दैट कोलेजन तो अब ये क्या हो जाएगा दैटा प्लेटलेट था इंजोर साइड पे ज्यादा जा, जाना शुरू कर देगा और वहां पे कोलेजन से बाइंड करना शुरू कर देगा अब हो जाएगा एक्टिवेशन जैसे ही बाइंड करेगा कोलेजन से प्लेटलेट बाइंड करते ही उसमें एक्टिवेशन हो जाएगा बाइंड करने से जैसे ये कोलेजन है ठीक है ये कोलेजन है और यहाँ पर प्लेटलेट है तो हमें पता है कि प्लेटलेट पे क्या था जीपी ग्लाइकोप्रोटीन प्रोटीन वन बी था receptor, और इस पे आकर क्या बाइंड किया था फैक्टर बाइंड किया था ठीक है तो ये एक लिंक बना दिया जिसकी वजह से ये प्लेटलेट किससे जुड़ गया यहां जो कॉलेज कोलेजन यहां पे एक्सपोज हुआ था इंजर्ड साइट में वहां से हो गया तो इस तरह से बहुत सारे प्लेटलेट यहां पर आकर क्या करेगा जुड़ना शुरू हो जाएगा ठीक है जुड़ने के बाद

एक्टिवेट प्लेटलेटिंग सेमूथ है तो अब क्या हो जाएगा उसमें कुछ आर्मस बनने शुरू हो जाएंगे ठीक है इस तरह से कुछ आर्म बनने शुरू हो जाएंगे और आर्म बनने की वजह से क्या हो जाएगा ज्यादा स्टिकी हो जाएगा दूसरे प्लेटलेट को भी यहां पर बाइंड करना शुरू कर देगा एक दूसरे से क्या हो जाएगा इंटेंगल होना शुरू हो जाएगा सो दैट सो दे कैन स्टिक अदर प्लेटलेट्स तो जब उसमें कुछ उसका यदि शेप बदलता है उसमें कुछ आर्म्स इस तरह से निकल जाते हैं तो उसकी वजह से क्या हो है दूसरे को वो स्टिक कर लेता है दूसरे को वो इंटेंगल कर लेता है अपने आप में तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि यहाँ पे नॉर्मल प्लेटलेट्स है स्मूथ प्लेटलेट्स है और यहाँ पर जैसे एक्टिवेशन हुआ ये इसमें आर्म्स बनने शुरू हो गए ठीक है तो इसकी वजह से यहाँ पर और ये पहले से जुड़ा हुआ है तो ये और भी ज्यादा यहाँ से यहाँ से और भी ज्यादा प्लेटलेट्स को यहाँ पे खींचना शुरू कर देगा और वहां पे अटैच करना शुरू कर देगा सो so, एक तो ये फंक्शन हो गया सो द एक्टिवेटेड प्लेटलेट रिलीज अब ये एक्टिवेटेड का दूसरा एक्टिवेटेड प्लेट का दूसरा काम क्या है कि वो बहुत सारे कंपोनेंट को रिलीज करता है जैसे एडीपी थ्रोमो एक्जेन ए टू सेरोटोनिन वोरेंट ये और भी वॉन वोवरेंट

कि क्या काम है ये जो कंपोनेंट है उसका काम क्या है सो so, जो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है एडीपी और थ्रोमो ये दो को हमेशा याद रखना है क्योंकि ये ये क्या करता है so, है सो दिस एक्टिवेट एंड रिक्रूट न्यू प्लेटलेट्स ब्लड कुछ कुछ प्लेटलेट तो यहाँ पे बाइंड कर गया इंजोर्ड साइड पे अब कुछ आ रहा है इस ब्लड फ्लो में ठीक है तो ये एडीपी यहाँ पर थोड़ा मूव करेगा इस सोल्यूशन पे और जो आसपास में प्लेटलेट है वो भी इसको खींच के यहाँ पे ले आएगा तो इसको इस प्लेटलेट को एक्टिवेट भी करेगा एक्टिवेट करने का मतलब क्या है कि फिर से उसमें आर चेंज कर देगा उसमें एक्टिवेशन हो जाएगा और ये एक पॉजिटिव फीडबैक जैसा काम होता है ठीक है यहाँ पर प्लेटलेट्स आना शुरू हो जाएगा और 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 से ज्यादा एडेशन एड़ेश, होगा अटैच होना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे ही यहाँ पर एडीपी और थ्रोजन रिलीज होगा ठीक है ये जो ये रिलीज करेगा एक्टिवेटेड एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स स्टार्ट टू रिलीज ADP and thromboexan A2 ठीक है तो ये रिलीज होगा और जो भी आसपास में प्लेटलेट्स है उसको खींचना शुरू कर देगा उसको अपने पास इधर और ये करेगा एक्टिवेट करेगा और रिक्रूट करेगा इस इंजर्ड साइट पर तो थ्रोमोएक्सेन ए टू एंड सेरोटोनिन ये आल्सो एक्ट एज द वेसो कॉन्ट्रिक्टर ये वेसल वेसल कॉन्ट्रिक्टर की तरह काम करता है तो वास्कुलर स्मूथ मसल्स पे करेगा और फर्दर वेसो कॉन्ट्रिक्शन को और ये एनहांस करेगा सो so, ये स्टार्टिंग में भी हुआ था जब डायरेक्ट रिफ्लेक्स हुआ था और इंडोथेलियम थेलिय, इंडो इंडोथेलियम जो ये बना था ठीक है उसकी वजह से इंडो इंडोथेलिन इंडोथेलिन जो रिलीज हुआ था दैट इज आल्सो एक्टेड द वेसो कंट्रैक्टर सो वेसो कंट्रैक्शन तो यहां पर थ्रोम्बोएक्सेन ए2 और सेरोटोनिन भी क्या काम कर रहा है वेसो कंट्रैक्टर की तरह काम कर रहा है आगे देखते हैं गुलेशन फैक्टर आगे देखते हैं कोगुलेशन फैक्टर सो दिस इज द इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग सेकेंडरी हिमोस्टिस जब प्राइमरी हिमोस्टेसिस स्टार्ट रहता है प्लेटलेट एक्टिवेट हो जाता है दैट प्लेटलेट आल्सो रिलीज द सेकेंड्रीमोस्टे सॉरी आल्सो रिलीज कोगुलेशन फैक्टर्स विच इन्वॉल्व इन द सेकेंड्री हिमोस्टेसिस ब्लड क्लॉटिंग इसका मतलब है प्राइमरी हिमोस्टेसिस जब हो रहा होता है तो सेकेंडरी हिमोस्टेसिस का प्रिपरेशन हो रहा होता है सो so, अब है एक्स्ट्रा सॉरी एपिथेलियल ग्रोथ फैक्टर प्रोमोट एंजियोजेनेसिस एंजियोजेनेसिस है क्या तो ग्रोथ ऑफ ब्लड वेसल फ्रॉम एग्जिस्टिंग वास्कुलरचर तो ये जो जैसे ब्लड वेसल है ठीक है मान यहाँ पर मान ले자 कि इंजरी हो गया तो ब्लॉकेज तो कर दिया जाएगा लेकिन इस वॉल को बनना भी है ना इस वॉल को कैसे बनाया जाता है तो इधर से और इधर से ये ठीक है ये धीरे-धीरे ग्रो करना शुरू करेगा जो आसपास का एग्जिस्टिंग वास्कुलेचर है बगल का वहां से ये वहां से ये आगे बढ़ेगा धीरे धीरे यहाँ इसको उस ब्लॉकेज को कंप्लीटली रिपेयर कर देगा सो दिस कॉज रिपेयर ऑफ द डैमेज ब्लड वेसल ठीक है अब आगे देखते हैं प्लेटलेट एग्रीगेशन सो दिस इज द फाइनल स्टेप प्लेटलेट एग्रीगेशन अभी तक केवल वहां पे आके जमा हुआ था ठीक है अब वो क्या होगा बिल्कुल स्टिक होगा एक दूसरे से एग्रीगेट कर जाएगा क्लंप करेगा सो so, एक्चुअल में अब प्लेटलेट का क्लंपिंग शुरू होगा सो द प्लेटलेट नीड टू स्टिक टूगेदर यदि वहां परसिस्ट करना है क्योंकि यदि यहाँ पर प्लेटलेट आ गया तो अभी तो चूंकि रिसेप्टर से थोड़ा बाइंड किया हुआ है बट हमेशा याद रखना रिसेप्टर का बाइंडिंग इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है ठीक है रिसेप्टर चूकी रिसेप्टर का होता है वो नॉन नॉन कोवेलेंट बॉन्ड होता है Normally. तो यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा नहीं हुआ सारा प्लेटलेट आ तो येदर so to इसके लिए क्या करना है जब एक्टिवेशन होता है प्लेटलेट का तो द्लेटलेट ऑल्सो एक्सप्रेस रिसेप्टर कॉल ग्लाइको प्रोटीन सेकेंड बी और थर्ड ए ठीक है इससे पहले कौन सा रिसेप्टर था ग्लाइकोप्रोटीन वन बी था अब यहाँ पे एक न्यू एक्टिवेटेड प्लेटलेट एक्सप्रेस करना शुरू कर देगा ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन सेकेंड बी और थर्ड ए दोनों में से कोई हो सकता है ठीक है तो इन रिस्पॉन्स टू एडीपी और थ्रोमो एक्जन ए टू ये दो जो कंपोनेंट था जो रिलीज हुआ था एडीपी और थ्रोमोएन ए टू वो क्या करेगा इस रिसेप्टर को एक्सप्रेस करना शुरू कर देगा तो यहां पर देख सकते हो ये वाला जो रिसेप्टर हम बनाए थे एक्चुअल में क्या है जीपी सेकेंड बी और थ्री ए ठीक है ये दोनों में से कोई एक हो सकता है अब हम देखते हैं इसका काम क्या है इस रिसेप्टर का काम क्या है जीपी टू बी और जीपी थ्री ए इसका काम क्या है सो so, दिस बाइंड फाइब्रोनोजेन अब यहां पर फाइब्रोनोजेन्स होते हैं ग्रीन तो यहां पर देख सकते हैं सो द रिसेप्टर बाइंड फाइब्रिनोजेन फाइब्रिनोजेन पे बाइंड करता है यहां पे जो ग्रीन कलर का है दिस इज द फाइब्रिनोजेन दिस इज द फाइब्रिनोजेन ये जितना भी ग्रीन कलर का फाइबर्स है ये फाइब्रिनोजेन है जिसमें क्या बाइंड करेगा जिस जो रिसेप्टर से इंटरेक्ट करेगा और बाइंड करेगा और इस तरह से क्रॉस लिंक बनाएगा तो इस तरह से क्रॉस लिंक बन रहा है हर जगह तुम देख रहे हो तो अब ये परमानेंटली क्या हो जाएगा टुगेदर वो क्लम्प हो जाएगा ये जितने भी प्लेटलेट्स हैं यहाँ पे कलम्प हो जाएगा और फाइनली क्या बन जाएगा ब्लड क्लॉट बन जाएगा सॉरी फाइनली so क्या बने जाएगा प्लेटलेट प्लग बनेगा तो ये इंजोर साइड था धीरे धीरे यहाँ पे ब्लड आया और बिल्कुल इस तरह से एक प्लेटलेट एथलेट प्लग का निर्माण हो गया ठीक है तो फाइनली हमारा प्राइमरी हिमोस्टेसिस खत्म हो गया थैंक यू नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे सेकेंडरी uh, हिमोस्टेसिस जो एक्चुअल में क्या है ब्लड क्लॉटिंग है तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ब्लड क्लॉटिंग or blood population. Thank you.